सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज पीसी में ऑटो अपडेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे फिक्स करते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। माय पीसी हो या दिस पीसी, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपको जाना है सर्विस एंड एप्लीकेशन में, और उसके बाद आपको जाना है सर्विसेस में। सर्विसेस पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज अपडेट। यहाँ पे देखिए विंडोज अपडेट, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको इस तरह सा डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उसके बाद आपको जाना है स्टार्टअप टैब में। यहाँ पे ऑटोमेटिक बोल के रहेगा, उसको आप डिसेबल करना है, अप्लाई कर देना है और ओके बोल देना है। उसको क्लोज कर देना है, आपका एरर फिक्स हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेक जिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।